गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ध्वनियों के चिन्ह। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कौन सी पढ़ी थी, अ, जिसके कुछ शब्द थे जैसे हॉल, मॉल, शॉल, चौक, कॉपी, डॉक्टर, डॉल, बॉल, ऐसे बहुत सारे शब्द मैंने आपको बताए थे। उसके अलावा कुछ शब्दों के चित्र भी दिखाए थे। तो आज हम लोग जो चित्र दूसरा पढ़ने जा रहे हैं, जिस ध्वनि को पढ़ने जा रहे हैं, वो है जा। आप वैसे पढ़ते हो जब का खा गा गा, तब क्या बोलते हो, जा। लेकिन उसको हम लोग पढ़ेंगे जा, क्योंकि उसके नीचे क्या लगा होता है, नुक्ता। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया ही था। फिर उसके बाद देखिए मैं दिखाती हूँ कि कहाँ लगा होता है नुक्ता जा। ये देखिए, ये क्या है, जा। इसे हम जा नहीं पढ़ेंगे, इसे क्या पढ़ेंगे, जा पढ़ेंगे। क्योंकि देखिए ये जो जा बना हुआ है, इसके नीचे ये देखिए दिखा आपको, नुक्ता लगा हुआ है ना, इसलिए हम इसको जा नहीं पढ़ के क्या पढ़ेंगे, जा पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद हम लोग जा वाले कुछ शब्दों को देखते हैं कि उनको हम कैसे पढ़ते हैं और कैसे लिखते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हुए हैं, जैसे ये देखिए पहला ये लिखा है क्या, ये ज़रा, दिखा। लेकिन जा के नीचे यहाँ क्या लगी है, नुक्ता लगा हुआ है, तो इसको हम जरा नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, ज़रा। अब देखिए इन ध्वनियों के चिन्ह को हम लोगों ने पढ़ लिया, और उसके अलावा कुछ और ध्वनि हैं जिस चिन्हों को हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, तो यहाँ पर कुछ चित्र हैं और उनके ध्वनि हैं, और आज हम लोग पढ़ रहे हैं जा वाले शब्द, तो चलिए उनको भी देख लेते हैं। तो देखिए पहला चित्र आया ये मेज। अब मेज को कई बार आप लोग क्या पढ़ लेते हैं, मेज, जबकि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जब उसके नीचे नुक्ता लगा होता है उसे पढ़ते हैं ज, तो ये शब्द हो जाएगा मेज। फिर देखिए उसके बाद ये स्पीकर, जिसमें से क्या निकल रही है, आवाज, जबकि आप लोग इसको बोलते हैं आवाज, और आवाज क्या होता है, गलत शब्द होता है ना, तो इसको हम लोग सही शब्द इसका क्या होगा, सही उच्चारण इसका होगा आवाज। ठीक, फिर उसके बाद देखिए ये आई रजाई। अब देखिए इन ध्वनियों, अब रजाई, रजाई तो आप सब ठंड में ओढ़ते ही होंगे, लेकिन आप लोग इसको क्या बोल देते हैं, रजाई, और रजाई इसका गलत उच्चारण होता है, तो इसका सही उच्चारण क्या होगा, यानी इसको हम सही तरीके से क्या बोलेंगे, रजाई, है ना, क्योंकि जा के नीचे, जा के नीचे क्या लिखा हुआ है, नुक्ता लगा हुआ है, तो इसे हम लोग पढ़ेंगे रजाई। फिर देखिए इसके बाद जो दूसरा चित्र है वो किसका है, जमीन, जबकि देखिए आप लोग जल्दी जल्दी में इसको क्या पढ़ देते हैं, जमीन। वो देखिए चित्र में जमीन दिखाई दे रही है ना, लेकिन जब आप इसे उच्चारण करते हैं जमीन करके, तो जमीन तो गलत शब्द हो जाता है, इसका गलत उच्चारण होगा जमीन, जमीन, तो इसका सही उच्चारण क्या होगा, यानी इसे जब हम सही तरीके से बोलेंगे तो वो शब्द क्या होगा, जमीन, ना कि जमीन। तो ये आप समझ गए ना। फिर चलिए दूसरे चित्र की ओर चलते हैं। अब ये देखिए क्या है, कागज, कागज जानते हैं ना, जिस पर आप लिखते हैं, कॉपी में, किताब में, सब में कागज ही होते हैं आपके, लेकिन आप लोग इसको क्या पढ़ते हैं, कागज। अब कागज क्या होता है, गलत उच्चारण हो जाएगा, यानी इसको हम कागज नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कागज। देखिए का, का पे किसकी मात्रा लगी है, बड़े आ की, का, ग और ज, तो इसको क्या पढ़ेंगे, कागज। ठीक, फिर चलिए दूसरे चित्र, आगे चित्र की ओर चलते हैं। ये क्या है, दरवाजा, इसमें भी नुक्ता लगा है जा के नीचे, तो इसको पढ़ेंगे जा, और ये शब्द हो जाएगा दरवाजा, लेकिन इसको आप लोग क्या पढ़ते हैं, दरवाजा, जा से जहाज जब पढ़ते हैं वो वाला जा, लेकिन ये इसका गलत उच्चारण हो जाएगा, तो सही उच्चारण इसका क्या होगा, दरवाजा। तो इसको आप पढ़ते रहिए तभी आप सही बोल पाएंगे। फिर हम लोग आगे चित्र देखते हैं। अब ये आया प्याज, प्याज तो सब खाते हैं घर में, लेकिन इसे आप लोग बोलते क्या है, हाँ प्याज बोलते हैं ना, कि प्याज चाहिए, प्याज लेना है, प्याज लेने गए हैं,
लेकिन वो क्या होता है, उसका गलत उच्चारण होता है। इसका सही उच्चारण क्या होगा, यानी इसको सही बोलने का तरीका क्या होगा, प्याज। क्यों? क्योंकि जा के नीचे नुक्ता लगा हुआ है, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्याज, ना कि प्याज। फिर ये देखिए सजा। सजा एक शब्द है जिसमें भी जा के नीचे नुक्ता है, तो इसको हम पढ़ेंगे सजा, ना कि सज्जा। जा पे देखिए बड़े आ की मात्रा लगी है ना, तो इसमें आ की आवाज भी आ रही है जब हम लोग बोल रहे हैं। तो इस शब्द का जब हम उच्चारण करेंगे, यानी कि जब इसे हम बोलेंगे, तो सही शब्द क्या होगा, इसका का सही उच्चारण क्या होगा, सजा, ना कि सजा। ठीक। फिर चलिए दूसरा चित्र देखें। अब इसमें क्या है, जेब्रा पढ़ देते हैं। अब जेब्रा तो नहीं पढ़ सकते, क्योंकि अभी तक मैंने आपको सब में बताया कि नुक्ता लगा होता है, तो उसे हम लोग जाना पढ़ के जा पढ़ते हैं। तो इसको भी हम क्या पढ़ेंगे, जेब्रा, ना कि जेब्रा। तो ये हो जाएगा गलत। तो जितने शब्द आपने पढ़े, इनको आप फिर से पढ़िएगा, ताकि आप इन्हें भूले नहीं, है ना। और जो अब तक गलत बोलते आए थे, उनको आप सही से बोल पाएंगे। फिर देखिए इसके बाद ये, इनको क्या हो गया है, जुकाम। देखिए इन्हें जुकाम हो गया है ना, और आप लोग क्या बोलते हैं, जुकाम हो गया, जुकाम। अब कुछ लोग तो इसे बोलते हैं जुकाम हो गया, लेकिन ये गलत होता है इसका उच्चारण। तो इसको बोलने का सही तरीका क्या होगा, जुकाम। इसको हम जुकाम नहीं पढ़ सकते, ना ही इसे जुकाम पढ़ा जाता है। सही उच्चारण इसका क्या होता है, जुकाम। फिर देखिए इसके बाद ये है जिप। जिप तो आपके बैग में भी होती है, आपके ड्रेसेस में भी होती है, सब जानते होंगे, है ना। लेकिन इसे हम जिप नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, जिप, क्योंकि जा के नीचे नुक्ता लगा है, और जा पर किसकी मात्रा लगी है, छोटी की, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, जिप। तो ये शब्द हो गया हमारा जिप। इसे जिप मत पढ़िएगा आप, क्या पढ़ेंगे, जिप। फिर देखिए इसके बाद ये एक शब्द है जिम्मेदार। जिसको बोल देते हैं लोग जिम्मेदार। अब जिम्मेदार तो क्या हुआ, गलत उच्चारण हुआ। अब जिम्मेदार थोड़ी बोलेंगे, अभी तक हम लोगों ने इतने शब्द बोले, उन्हें मैंने बताया आपको कि इसको हम जा पढ़ेंगे, ना कि जा। तो इसका जो हम सही उच्चारण करेंगे वो क्या होगा, जिम्मेदार। जिम्मेदार गलत उच्चारण हो जाएगा। फिर देखिए हैं, देखते हैं अगले शब्द को, ये है जबरदस्त। और पढ़ देते हैं इसको क्या, जबरदस्त। जबरदस्त तो गलत हुआ, क्योंकि आज ही हम लोगों ने सीखा है, इसे पढ़ेंगे जा। तो सही शब्द क्या होगा, सही इस शब्द का सही उच्चारण क्या होगा, जबरदस्त। तो आज हम लोगों ने कितने सारे शब्दों को सीखा, जिनको अभी तक आप गलत बोलते आ रहे थे, है ना। लेकिन आगे से अब आप ये गलती नहीं करेंगे, क्योंकि आज तो आपने इन सारे शब्दों को सीख लिया ना, कि इनको हमें क्या बोलना चाहिए, इनका सही उच्चारण क्या है। तो अब आप इनको जब बोलने की प्रैक्टिस करेंगे, इनको फिर से पढ़ेंगे, तब आप इन्हें नहीं भूलेंगे, और अगली बार से ये गलती भी नहीं करेंगे, है ना। तो जहाँ भी नुक्ता लगा होगा, अगर जा के नीचे नुक्ता लगा है, तो इसे क्या पढ़ेंगे, जा, है ना, ना कि जा। तो आज हम लोगों ने जा वाले शब्द सीखे। कल हम लोग नए शब्दों के साथ मिलेंगे दूसरे वीडियो में।